हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट ऑन एमएमसी। मैं अश्विनी यादव आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई रिक्रूटमेंट लेके आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं थंबनेल लगा हुआ है, दैट इज मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। यहां पे आपके लिए एक नई वैकेंसी क्रिएट होके आई है। सभी इंजीनियर्स के लिए एक नई खुशखबरी है, मेट्रो रेल में वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया है। ये अभी आपका पहला पड़ाव नहीं है, अभी आने वाला मेला खुलने वाला है, एकदम भरपूर नौकरियां आने वाली हैं। सो अपनी पेटी बांध लीजिए और फ्लाइट लेने को तैयार हो जाइए। एक नौकरी का हक आप लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। सो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी, कितना इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी हम लोग नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे और देखेंगे। सो चलिए देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। सो अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो ये मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड से, कॉरपोरेशन लिमिटेड से आया है, ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, दोनों के द्वारा एक चलाए जाने वाला एक संस्थान है, दैट इज मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सो एक वैकेंसी जो निकल के आई है आपके पास वो क्या है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ एमपी मेट्रो रेल 2023, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MPMRCL, ए ज्वाइंट, है ना, अभी हमने जो बात किया वेंचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का है। ये प्रोजेक्ट आपका कहां चल रहा है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंडोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। एप्लीकेशन का इन्विटेशन है फॉर द ऑपरेशन, किसके लिए, फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनर OM एज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। जनरली आप देखेंगे तो आपका मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो रेल या नोएडा मेट्रो रेल, नोएडा मेट्रो रेल और UPMRC, ये सारे जो होते हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस ही देते हैं, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सटेंड करते चले जाते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये एक्सटेंडेबल होता है सम केसेस में, सम केसेस में एक्सटेंडेबल नहीं होता है, पर अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपको फायदा उठाना चाहिए, आपको अपनी एक वैकेंसी के लिए जरूर लड़ना चाहिए। ठीक है, सो चलिए हम लोग आगे बात करें क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। सो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31/07/2023 से स्टार्ट होने वाला है, क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31/08/2023 को होने वाला है। ठीक है, आइए पोस्ट नेम और एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सो हम लोग कहते हैं सुपरवाइजर, इसके लिए देखेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या एनी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या BSc ऑनर्स अगर आप किए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या BSc किए हो आप किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, किसी भी ऑर्गेनाइज, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसके लिए आपको कितनी पोस्ट है, 26 पोस्ट आपको दी गई है, यानी 26 पोस्ट यहां पे है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं कि आपका सुपरवाइजर इन सिग्नलिंग में 7 पोस्ट आपके लिए आई है, ये अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन में अगर आप हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 10 पोस्ट आपके लिए आया है मेंटेनर सिग्नलिंग के लिए, जहां पे आप वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ 10 पोस्ट हैं। यहां पे आप देखोगे तो आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th होना चाहिए, 2 इयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, ITI अगर है आप तो यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर ट्रैक्शन में दिया गया है 8 पोस्ट के लिए, 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपके पास फिर से आता है मेंटेनर की वैकेंसी, 9 पोस्ट है यहां पे,
आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए प्लस टेंथ के बाद आपका, आपके पास टेंथ के बाद आईटीआई होना चाहिए। दूसरी अगर हम लोग बात करें सुपरवाइजर की, सो सुपरवाइजर की दो पोस्ट है, अगेन 3 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग में क्या मांगा हुआ है, डिप्लोमा। यहां पे अगर हम लोग बात करें दो पोस्ट है आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग में क्या मांगा हुआ है, डिप्लोमा, है ना। सो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा है तो आप इसके लिए क्या है, एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो फिर से आईटीआई वालों के लिए है, 15 पोस्ट है यहाँ पे। 15 पोस्ट में अगर आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनर की है, आईटीआई होना चाहिए आपके पास 10th के बाद, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें, दो पोस्ट आपके पास आई हुई है, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं 3 पोस्ट आपका मेंटेनर के लिए है, मैट्रिकुलेशन और आईटीआई आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिटर से यहां पे अगर हम लोग बात करें स्टोर की, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्टोर्स के लिए। अगर हम लोग आगे देखें तो और आपके पास एचआर की पोस्ट है, तो ये आपके लिए नहीं है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। बीकॉम एमकॉम वालों के लिए 2 पोस्ट निकल के आई है अकाउंटेंट्स के लिए। टोटल अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो आप कहेंगे 88 पोस्ट है ना, 88 पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व है, एक चीज जान लीजिए, इंक्लूडेड कैंडिडेट अंडर द जनरल कैटेगरी और SC ST OBC EWS फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं और आप मध्य प्रदेश के वासी नहीं हैं, तो आपको अनरिजर्व में यानी जनरल में ट्रीट किया जाएगा, जनरल की जो पोस्ट है उसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश के वासी हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जा सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप भले ही ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से होंगे पर आपको ट्रीट कैसा किया जाएगा, जैसे यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो हाँ, अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें एससी एसटी, ये आपके पास कुछ आपको दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे कुछ आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए। जैसे अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से हैं तो 5 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन है 3 साल का है, अगर आप PWBD है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, फॉर वुमेन्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। कुछ और रिलैक्सेशन हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डलवा देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा वहां पे भी आपको क्या अवेलेबल करवा देंगे, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे प्रॉपर आपके पास पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, वहां से आप जाके ये सारी बातें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन कुछ थी जो आपके साथ साझा करना था, हमें बताना था। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी बेस होने वाला है सभी पोस्ट के लिए, है ना। तो सारी बातें आपसे मैंने बता दी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप खुद पढ़ के कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन आज तक जो पहचानी थी हमने आपको पहुंचा दिया। एक इंफॉर्मेशन ये, इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मे बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश सिटी विच आर भोपाल हो सकता है, ग्वालियर हो सकता है, इंदौर हो सकता है, जबलपुर, उज्जैन, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सेस रिसीव फ्रॉम ईच सिटी, कहां से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उस अनुसार इसको रखा जाएगा। सो आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इन इन सिटीज के में आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन शुड क्लियरली इंडिकेट दियर ऑर्डर प्रेफरेंसेस इन 3 examination cities ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएगा, उसमें अपनी 3 सिटीज को आप मेंशन कर दीजिएगा कि भैया मेरे पास सबसे पहला ये ऑप्शन है, आप मेरे को यहां एग्जामिनेशन के लिए बुलाइए, है ना। सो वहां आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन द एग्जामिनेशन ऑफ सर्ट पोस्ट में बी कंडक्टेड इन भोपाल और इंदौर।
यानी अगर कम हुआ, आपने जहां अप्लाई किया, मान लीजिए आप उज्जैन अप्लाई करते हो और वहां पे कैंडिडेट कम है, तो उन्हें भोपाल के लिए बुला लिया जाएगा या इंदौर भेज दिया जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट एग्जामिनेशन सेंटर एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपने बदल दिया तो उसको आप ये चाहते हो कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो फिर से बाद में चेंज हो जाए, तो ऐसा इंटरटेन ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सो बहुत आप आराम से भरिए और देख के सोच समझ के भरिए। लास्ट जो हमें बात करनी है, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 590 है। इसका मतलब है ओबीसी आप तभी कंसीडर होंगे अगर आप मध्य प्रदेश के वासी होंगे, अदर स्टेट के हैं तो 590 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हुए। अगर आप एससी एसटी हैं, यानी मध्य प्रदेश की डोमिसाइल्स ओनली यहां पे लिखा हुआ है, वो 295 रुपए पे करेंगे प्लस कितना जीएसटी पे करेंगे। कहां करना है ये आप देख लीजिएगा, या आपके पास कुछ ऑनलाइन पेमेंट है यहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है भैया, 2 घंटे का पेपर होने वाला है ना, कंप्यूटर बेस्ड पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा, 120 क्वेश्चन होगा। इंडिकेटेड सिलेबस फॉर द सच मेंशन एडवर्टीजमेंट, इसमें सिलेबस है आप देख लीजिए, एक बार हम आपको दिखा भी देंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट ऑन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली कंफर्मिटी विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द पोस्ट, है ना, सारे क्वेश्चन आपके पास वही है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.25 का आपका क्या है, पेनल्टी है, मार्क काट लिया जाएगा गलत नंबर पे। क्वालिफाइंग टेस्ट यहाँ पे लिखा तो जाता है, लेकिन लास्ट में तो आपको कट ऑफ ही पार करना होगा, सो इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। आइए, 2 स्टेज का एग्जामिनेशन है ना। इफ रिक्वायर्ड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 2 स्टेज पर डिस्क्रिशन ऑफ MPMRCL, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है आपके पास, क्वालिफाइंग मार्क्स ये इन्होंने दे रखा है, कुछ ऐसा है ये तो आप पढ़ लेंगे खुद ही। हमें जो बताना है वो क्या है, आपका सिलेबस। आइए, सिलेबस क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। सो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको एक लिंक बतानी है, इस लिंक पे जाके आप इस यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो इसे मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप इसे देख लीजिए, इसे मैं जूम आउट कर देता हूं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा पीडीएफ, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अदर इंस्ट्रक्शन, और लास्ट अगर हमें जो बात करनी है आपसे वो है आपका सिलेबस। सिलेबस आपका वही है, टेक्निकल और हिंदी इंग्लिश, है ना, हिंदी इंग्लिश और एमपी का आपके पास थोड़ा बहुत जीएस। सो इसमें सिलेबस भी मिल जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, अभी नहीं मिल पा रहा है, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो आप एक बार इसे डाउनलोड करके सिलेबस में देख लीजिएगा क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या एग्जामिनेशन का स्कीम है, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगली नोटिफिकेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे किसी अगले नोटिफिकेशन, किसी अगले जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के बारे में। सो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगला नोटिफिकेशन लेके, आपके साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हूंगा, जैसे आज मैं आपके लिए लेके आया क्या मध्य प्रदेश का आपके पास एक नया नोटिफिकेशन, जो आपको ये बताया कि भैया कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको अपनाना है, आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, क्या अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।